फ्रेंड्स, इस बार व्रत के दिनों में फलहार के लिए एकदम नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी ट्राई करें। इसे देखते ही खाने को मन कर जाए। ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी फलहारी नाश्ता है। इसे हम बनाएंगे बिना तले, वो भी सिर्फ दो चीजों से ही बनने वाली ये रेसिपी है। एकदम कम घी में ही ये तैयार हो जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, इस फलहारी नाश्ते का कोई अच्छा सा नाम कमेंट करके मुझे बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता खंडेलवाल और आप सभी का स्वागत है एसकी गोल्ड रेसिपीज पे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के शुरू कर लेते हैं हमारी आज की ये स्पेशल फलहारी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ मैंने ले लिया है 3/4 कप सामा, यानी कि मूर्धन, या फिर इसे वराई के चावल भी बोलते हैं। अब इसे हमें पीसना है। इसके लिए इसे हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह का पाउडर इसका हमें तैयार करना है। अब इसे एक बोल में खाली करके अलग रख देंगे। इसके बाद जो हमें करना है, गैस ऑन करके एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखेंगे, फ्लेम लो कर देंगे। इसमें डालेंगे 2 बार 3/4 कप पानी। पानी की क्वांटिटी सामा की एग्जैक्ट डबल लेनी है, यानी कि 3/4 कप सामा हमने लिया था, इसलिए उसका डबल पानी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इस पानी में डालेंगे 1 चम्मच घी, 1/4 टीस्पून जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सेंधा नमक और डालेंगे 2 टीस्पून साबुत मूर्धन। इन सबको मिक्स करेंगे और जैसे ही ये पानी थोड़ा गर्म होने लगेगा ना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मूर्धन का पाउडर जो हमने पीस के तैयार कर रखा है उसे मिलाते जाएंगे। फ्लेम हम अभी भी लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे मिक्स करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही सामा का पाउडर इसमें मिक्स हो जाएगा ना, एक उबले हुए आलू को हम इसमें ग्रेट करेंगे। आलू डालने से ये नाश्ता और भी टेस्टी बनेगा। अब आलू को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता है ना, इसे हम व्रत के दिनों में तो खा ही सकते हैं, और अगर व्रत ना भी हो ना तो सुबह या शाम की चाय के साथ इसे खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, आलू को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फ्लेम अभी भी हम लो ही रखेंगे। अब ढक्कन हटाएंगे, एक बार फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक प्लेट या थाली में से निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब लगभग ये 80% ठंडा हो चुका है, तो इसे डो की तरह हम इकट्ठा कर लेंगे। और अब जो हमें करना है, एक चॉपिंग बोर्ड पर या फिर डायरेक्टली हमारे किचन प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस करेंगे। और अब इस पूरे डो को इस तरह से हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए फ्लैट करते जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप हम इसका बना लेंगे। अब एक चम्मच की पिछली तरफ से इसकी किनारियों को एकसार कर लेंगे। देखिए, इसकी थिकनेस लगभग इतनी हमें रखनी है। अब एक शार्प नाइफ से इसकी कटिंग करेंगे। लगभग एक ब्रेड की स्लाइस जैसे साइज करना है हमें, और इन्हें बीच में से कट करके ट्रायंगल जैसा काट लेंगे। अब इन सभी ट्रायंगल्स को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसकी थिकनेस एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, इस तरह के हमें रखनी है। ये सारे पीसेस हमारे रेडी हैं। तो गाइस, इन पीसेस में से हमें जितने अभी यूज करना है ना उतने हम यूज करेंगे। बाकी के पीसेस को हम एयर टाइट डिब्बे में इस तरह से पैक करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। इन्हें हम 4-5 दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब फाइनली बारी है इन्हें शेलो फ्राई करने की। इसके लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर मेल्ट करेंगे और एक एक करके ये स्लाइसेस सेकने के लिए रखेंगे। ये प्रोसेस आप कढ़ाई की जगह नॉनस्टिक डोसा वाला जो तवा होता है ना, उस पे भी कर सकते हैं। अब इन स्लाइसेस को पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा फलियारी नाश्ता हमारा तैयार हुआ है। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ऊपर से ये एकदम सुपर क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी, इसका टेस्ट तो गजब का अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इसे आप चाहे ना तो हरी चटनी से खाएं या फिर खाएं बढ़िया से कोई रायते के साथ। तो फ्रेंड्स, इस बार फलियार के लिए डिफरेंट सी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप फलियारी नाश्ते में क्या क्या बनाते हैं। और साथ ही आज के इस नाश्ते के लिए कोई अच्छा सा नाम कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।